नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर से मंडे आपके लिए लेकर आया हूँ स्टडी पर्पस से कुछ स्टॉक्स जो आपको आने वाले समय में स्टडी करते वक्त आप पाएंगे कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप ये स्टॉक्स को बाय करें या कुछ फाइनेंशियल रिस्क लें। आप ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पिछले दो महीने से मैं यहाँ पर स्टडी पर्पज से कुछ स्टॉक दे रहा हूँ, ज़रूर वो भी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये जाकर आपको चेक करना चाहिए और फिर आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर बुधवार को मैं यहाँ पर वो किस तरीके से मैं स्टॉक ढूंढता हूँ स्टडी पर्पज से, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग आज की डेट में शेयर मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस कर रहे हैं। सेबी का रिपोर्ट कहता है कि 100 में से 90 लोग लॉस कर रहे हैं और 10 ही लोग कुछ पैसे बना रहे हैं। तो 90% पीपल अगर पैसे लूज कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अवेयर होकर काम करने की ज़रूरत है। एक सीए ने एक रिपोर्ट में कहा है कि उसने इस साल 78% सैलरी पीपल जो थे उनके रिटर्न फाइल किए हैं, जिसमें से 78% लोगों ने शेयर मार्केट में लॉस बनाया। तो इट वॉज वेरी वेरी चिंता करने वाली चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉसेस होते हैं क्योंकि रातों रात लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ स्ट्रैटेजीज बनाकर काम करेंगे तो शेयर मार्केट बहुत अच्छी जगह है जो लंबे समय में आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो चलो देखते हैं पिछला वीडियो जो मैंने डाला था 26 तारीख का। तो महीने के महीने हम लोग देख रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस किया 26 तारीख के वीडियो ने। 25 या 26 में वीडियो आया होगा जिसमें मैंने कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे। यहाँ से HCL टेक है, राउते मोबाइल है, अलुवालिया कंस्ट्रक्शन है, KEI इंडस्ट्री है, VATech वबाग है और जेंसरटेक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन स्टॉक से कि किस तरीके से इन्होंने एक महीने में हमें क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो जेंसरटेक हमने रिकमेंड किया था 388 पे स्टडी पर्पज से। तो जेंसरटेक अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसको देखते हैं। सो आई थिंक दिस इज द जेंसरटेक 491-92 पे ट्रेड कर रहा है। हमने 388 पे रिकमेंड किया था, तो तकरीबन 100 रुपीज़ का मूव इसने एक महीने में आपको दिया है। अगर आप 100 रुपीज़ का मूव मतलब परसेंटेज की बात करें तो 388 पे रिकमेंडेशन, तो 4 रुपये मोटा मोटी पकड़े कि 1%, 4 रुपये मीन्स 1%, तो 40 रुपये मतलब 10%, 80 रुपये मतलब 20%। तो जेंसर टेक्नोलॉजी ने हमें इस महीने में 25% का रिटर्न बना के दिया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। दूसरा स्टॉक हमने यहाँ पर देखा था VATech वबाग, 480 में रिकमेंडेशन था। तो व्हाट ही हैज डन द VATech वबाग, देखिए यहाँ पर अभी 526 पे चल रहा है, हाई इसने मारा है, फाइव इधर दिखेगा आपको 537। तो 480 से लेकर 60 रुपये का मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिला है। 4.80 रुपये मतलब 1%, 48 रुपीज़ मतलब 10%। तो इसने 480 और ये 40 रुपये, तो ये यहाँ पे 20, वो तो 15% का, मोटा मोटी 14% का रिटर्न इसने एक महीने में हमें जनरेट करके दिया है। तो इस तरीके से ये रिटर्न बनाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक स्ट्रैटर्जी बनाकर काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हर बुधवार को मैं लाइव आता हूँ सुबह 10:30 बजे, जरूर उसको सुने। साथ में मैं कुछ शेयर मार्केट की ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ जो यहाँ पर मैं सिखाता हूँ किस तरीके से स्टॉक ढूंढे जाते हैं। और ये अभी आप देख रहे हो, आने वाले साल भर बाद इसको उनको देखना। इसमें से कुछ स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करके चले जाएंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टॉक मल्टी बैगर रहने वाले दोस्तों। तो ये हो गया VATech वबाग, फिर आगे की बात करते हैं। दूसरा है KEI इंडस्ट्री, 2340 पे हमने इसको स्टडी पर्पज से रेकमेंड किया था। और कहाँ गया वो KEI इंडस्ट्री इस वक्त 2435 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने 2800 का हाई मारा है, 2815। तो 2340 और 2815 मतलब कितना हो गया, टेंटेटिवली 500 रुपये की बढ़त इसने दी है। 23 रुपये मतलब 1%, 230 रुपये मतलब 10%, और
460 रुपये, मतलब 20%, इसने भी हमें 20-22% का रिटर्न विद इन 1 month जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल स्टॉक मार्केट हैज। देखिए, हम लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आई थिंक वरुण बफी जी से पूछा गया था कि वरुण बफी जी, आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है और आप दुनिया के अमीर इंसान हैं, तो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करके लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं? तो वॉरेन बफे का जवाब बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा था कि लोग धीरे धीरे अमीर बनना नहीं चाहते, लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, दैट्स वाई वो मेरी स्टाइल को अपनाते नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपको भी जो वर्क करता है उस पर काम कर लेना चाहिए। आपका काम नहीं है कि रोज स्टॉक ढूंढे ये करे, या तो आपको फिर सीखना चाहिए प्रॉपर वे से और इन्वेस्टिंग सीखे। आप सट्टा सीखते हो, फ्यूचर ऑप्शन सीखते हो, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। वो सीख लीजिए ना, आप 2-3 दिन का कहीं पे कोर्स कर लेते हो, 10 दिन का कोर्स कर लेते हो, आपको क्या लगता है ज़िंदगी और पैसे कमाएंगे आप 10 दिन सीख कर? देखो, एकेडमिक एजुकेशन लिया, प्रोफेशनल एजुकेशन लिया, आपने कितना कुछ किया और देन कहीं पे 50,000-1,00,000 रुपये की नौकरी आपको मिली है। अब आप 10 दिन के एजुकेशन से चाहते हैं कि आप जिंदगी भर पैसे कमाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए उतना समय लगेगा, 10-20 दिन। देखो, आपको कंसिस्टेंटली अगर सीखना है तो मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ जिसका नाम है शेयर मार्केट चैंपियन। 1 ईयर प्रोग्राम है, लाइव मार्केट में काम करेंगे। और काम करेंगे मतलब क्या, कि मैं आपको सिखाऊंगा इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा, फिर जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा 2-3 महीना इन्वेस्टिंग के बीच से, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे जिसमें फ्यूचर ऑप्शन भी होंगे। अगर ये प्रेडिक्शन हमारे से कर रहे हैं तो फ्यूचर लेकर बैठेंगे तो भी हम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग तरीके की स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी होती है। तो ज़रूर संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबर पर और कनेक्ट करें कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रही है। बैच तो वैसे चालू ही है, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। फिर देखिए, अलूवालिया कंस्ट्रक्शन, अभी ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 26 तारीख को मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, चार्ट के साथ मैंने ये रिकमेंडेशन दिए हुए, आप चेक कर सकते हैं। अलूवालिया कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। तो ये रहा अलूवालिया कंस्ट्रक्शन, राइट नाउ 713 पे ट्रेड कर रहा है। हमने कितने पे रिकमेंड किया था, दिस इज द रिकमेंडेशन, 605 पे। तो ये भी स्टॉक ने तकरीबन 100 रुपये, 6 रुपये मतलब 1%, 60 रुपये मतलब 10% और 120 रुपये मतलब 20%, इसने 18% का मोटा मोटी रिटर्न जनरेट किया है। 18% आप इमेजिन कर नहीं सकते, इतना पैसा आप बना सकते हैं इस मार्केट में, वो भी इन्वेस्टिंग से। और ये स्टॉक मल्टी बैगर रहेंगे ऐसा मेरा कहना है, और इसमें से कुछ स्टॉक में मेरी पोजीशन है लेकिन सब भी नहीं है। ये है राउते मोबाइल, इसको बताया गया था, इसको एसेट एलोकेशन भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है तभी जाके हम लोग पैसा बना सकते हैं। तो ये है राउते, इसने 1760 का यहाँ पर हाई बनाया है, 1760, दिस इज द कैंडल 1760। हमारा रिकमेंडेशन इसका था, वेयर इज इट, 1760 का हाई बनाया, 1600 का रिकमेंडेशन है, तो टेंटेटिवली 160 रुपये का मूवमेंट, मतलब 10% का मूवमेंट इसने रिकमेंडेशन के बाद इसमें दिखाया है। फिर HCL टेक था, HCL टेक ने क्या किया, किधर गया HCL टेक, वन सेकेंड, दिस इज द HCL टेक। तो HCL टेक ने 1200 यहाँ पे हाई दिया है, 1202 का, और वहाँ से वो टूटा है। एक्चुअली में यहाँ से कुछ बाइंग की पॉसिबिलिटी, इसने स्टॉप लॉस हिट किया है सिंपली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, मोमेंट मिला है 2-3% का अपसाइड, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट किया है। देखो, मैं ऐसे मानता हूँ कि इसने 1170 में बाय किया था और आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसका 1145 पे, तो आपका मोटा मोटी नुकसान कितना हो गया, 2% या 3% पकड़ लो, तो 12 रुपये मतलब 1%, और आपने 25 रुपये यहाँ पर आई थिंक लूज किए हैं, तो 2% यहाँ पर आपका गया। तो देखो ना दोस्तों, ये ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो विद इन मंथ आपने 15-20% का रिटर्न बनाया है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ शेयर मार्केट,
एकाध दूसरा गलत हो सकता है, हो सकता है, भगवान कोई नहीं है, नो वन इज गॉड, लेकिन 80-90% आपकी एक्यूरेसी है तो आप बहुत पैसे इस मार्केट से कमा सकते हो। HCL टेक खराब है ऐसा नहीं कहना है, अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन जो हुआ सो छोड़ दो। अब बात करते हैं आज के स्टॉक्स की। तो आज के पहला रिकमेंडेशन है मेरा, इसकी डेट्स बदलना बाकी है, सो डेट में डाल देता हूँ 31/07/2023। पहला रिकमेंडेशन है सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक। तो सेंट्रम देखिए क्या कर रहा है, ये पहला रिकमेंडेशन है सेंट्रम का। दिस इज नॉट सेंट्रम, दिस इज द सेंट्रम। वाओ, देखो यहाँ पे कैसे ये जो है राउंडिंग बॉटम कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है 950 पे, तो 950 से इसने 1500 की रैली भी दी है, लेकिन फिर भी ये बाय मैं कहूँगा। और इसका जो टारगेट बनेगा, ये मैंने टारगेट सिंपली राउंडिंग बॉटम के हिसाब से बनाया है, लेकिन ये मल्टी बैगर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 940 से लेकर इसका बॉटम है 175, तो टेंटेटिवली 700 यहाँ से 700 ऊपर जाएगा, 1000 में 700 के आसपास का इसका टारगेट बन सकता है, इससे ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन ये लिमिटेड टारगेट मैंने दिया है 1700 का। और यहाँ पे स्टॉप लॉस 1260 का, थोड़े बड़े स्टॉप लॉस इसलिए रखे हैं क्योंकि होता कैसे कि शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करे और स्टॉक फिर से बहुत बड़ी रैली दे, तो इसकी वजह से थोड़े से बड़े बड़े स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर रखे। आप प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई के टूटने पर क्लोजिंग पर एग्जिट कर सकते हैं। बैकडोर फूड, बैकडोर फूड क्या कर रहा है इसको देखते हैं। तो ये रहा बैकडोर फूड, तो सेम थिंग इसमें भी है, काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट के बाद रैली, यहाँ से ब्रेकआउट दिया 625 पे, 626 से ब्रेकआउट दिया है, 900 तक की इसने अभी तक रैली दे चुका है, और ये भी मल्टी बैगर बन सकता है। 250 इसका बॉटम है और टॉप थोड़ा था वो 600 का, तो 400 पॉइंट यहाँ से ऊपर, मतलब 1000 तो बनना ही बनना है, लेकिन ये मल्टी बैगर हो सकता है। तो मैंने तकरीबन इसका जो टारगेट है आपको दिया है 1000 का ही दिया है, लेकिन ये 1000 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए 1000 के टारगेट के लिए आप इसको स्टडी परपज से आपके जो भी पोजीशन है वो स्टडी परपज से पेपर ट्रेड के लिए आप इसको ले सकते हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन 307 पे ट्रेड कर रहा है अभी मेरे हिसाब से, और 390 का टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ओह माय गॉड, ये क्या है। तो आप यहाँ से, ये मैं ब्रेकआउट मानता हूँ इधर का छोटे खाने का, और ये बड़ा ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया, टेस्टिंग किया, काफ़ी दिन यहाँ पे रहा, तो मैं यहाँ से ही ब्रेकआउट मानूंगा। 280 पे इसने 90 का ब्रेकआउट है, 85 का, और ये इसका बॉटम है 163, तकरीबन 120 पॉइंट का फ़र्क है, तो मैंने 100 पॉइंट इसमें प्लस कर दिए, तो 290 से 390 का इसमें टारगेट आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, तो 390 यहाँ पर है। फिर टाइम टेक्नो प्लस, ये जो कंपनी है ये भी काफ़ी अच्छा करेगी आने वाले समय में, और ये मैं फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, खाली यहाँ पर बताने के लिए इतना समय नहीं होता, तो चार पांच स्टॉक देकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका स्टडी परफेक्ट रहेगा तो यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो इसने भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है राउंडिंग बॉटम का, ये प्राइस करेक्शन था, टाइम करेक्शन था, ये सारी चीज़ें पूरी करके हायर टॉप्स और हायर बॉटम बनाने की रैली इसने स्टार्ट की है, और कन्फर्मेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये 125 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं, या फिर ये इसके स्टॉप लॉस से तो बेटर है, 125 के नीचे क्लोजिंग ये देगा ही नहीं सबसे पहले, ऐसा मुझे लग रहा है, नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, टेस्ट कर सकता है, टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बाय कर लीजिए। इसका टारगेट जो निकलेगा वो राउंडिंग बॉटम का ही टारगेट मैं पकड़ लेता हूँ, 125 और ये 70, तो 50 पॉइंट ऊपर पकड़ लीजिए यहाँ से, 50 पॉइंट्स, तो 175 180 आपको ये कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा इसमें टारगेट। तो ये हो गया टाइम टेक्नो प्लस लिमिटेड, और फिर आगे का है स्वप्नदाना स्फूर्ति।
857 चल रहा है, 1200 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने, तो ये डाउन ट्रेंड में था यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले तो नेक लाइन ब्रेक कर दिया, नेक लाइन का ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट काफ़ी बढ़िया मानूंगा मैं यहाँ पर। ये जो प्रीवियस हाई उसको तोड़ दिया, हायर टॉप्स और हायर बॉटम, ये बॉटम से ऊपर है तो बना रहा है, तो ये आगे काफ़ी अच्छा, ये भी ब्रेकआउट मानूंगा मैं। और इसका पहला टारगेट तो ये निकलेगा प्रीवियस हाई 1100 समथिंग, ये जो है इधर तो 1144 है। और फिर सेकेंड टारगेट ये रहेगा, और ये तोड़ेगा तो फिर ये काफ़ी अच्छा बेटर कर सकता है। सो इसको वॉच लिस्ट में अपने रखें और देखिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये सारे जो स्टॉक हैं मैंने आपको जो बताया है स्टडी पर्पज़ से आपको दिए हुए हैं। इसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और फिर ही इसमें ट्रेड लें। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इससे आपकी स्टडी में या आपको जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये जो वीडियोस हैं कैसे लग रहे हैं। साथ में आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, होल्डिंग है और समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या करें, तो डेफिनेटली मुझसे संपर्क कर सकते हैं या चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ हेल्प चाहिए फिनेंशियली, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं मनी एकेडमी के ऑफिस में और आपको ज़रूर यहाँ से हेल्प की जाएगी। तो मिलते हैं आने वाले बुधवार को सुबह 10:30 बजे, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कैसे ये स्टॉक पिक किए जाते हैं इसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।